हेलो फ्रेंड्स, हम पिछले वीडियो में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी के बारे में चर्चा किए थे। जो जैसे कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी ऐसे था कि द लॉज ऑफ नेचर आर सेम फॉर ऑल इनर्शियल फ्रेम्स, मीन्स हमारा प्रकृति के जितने भी नियम हैं वो सारे इनर्शियल फ्रेम में सेम होते हैं। तो जैसे कि हमारा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ गया, तो लोगों ने ऐसे सोचने लगे कि यहाँ ही फिजिक्स ख़त्म हो गया, मीन्स आगे कुछ पढ़ने के आगे करने के लिए कुछ है ही नहीं। लेकिन उसी समय में 1865 में जब जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने उनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन के साथ आए, तो फिजिक्स के फील्ड में एक नया शुरुआत हुआ। तो मैक्सवेल ने तो बहुत सारे इक्वेशन दिए थे, लेकिन उन सारे इक्वेशन को प्रिसाइज करके बाद में साइंटिस्ट ने मेन चार इक्वेशन दिए थे। ओके, तो वो चार इक्वेशन ऐसे कि फर्स्ट इक्वेशन डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन जीरो, सेकेंड इक्वेशन कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी, थर्ड इक्वेशन डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो, एंड फोर्थ इक्वेशन कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू जीरो जे प्लस म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल ई बाई डेल टी। ओके, तो और भी इक्वेशन से जैसे कि हमारा वेव इक्वेशन ग्रेड स्क्वायर ई इज इक्वल टू वन बाई सी स्क्वायर डेल स्क्वायर ई बाई डेल टी स्क्वायर एंड डेल स्क्वायर बी इज इक्वल टू वन बाई सी स्क्वायर डेल स्क्वायर बी स्क्वायर बाई डेल स्क्वायर बी बाई डेल टी स्क्वायर। ओके, ये हमारा वेव इक्वेशन है। ओके, तो इन सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इक्वेशन है, तो इसको इसमें थोड़ा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करके वो सी के वैल्यू आया था वन बाई रूट ऑफ म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो। ओके, व्हिच इज इक्वल टू थ्री नियरली इक्वल टू थ्री इंटू टेन टू पर एट मीटर बाई सेकेंड। सो जैसे कि वो उस समय पर बहुत सारे साइंटिस्ट ने लाइट के स्पीड को मेजर करने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो ये मैक्सवेल ने उनके इक्वेशन के साथ और लाइट के स्पीड के साथ आ गए। तो वो था 3 × 10⁸ मीटर बाई सेकेंड, विच इज़ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एट इज लाइट। ओके, स्पीड ऑफ लाइट। तो यहीं तक तो बात सही था, लेकिन अब एक बड़ा क्वेश्चन आ गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या सारे इनर्शियल फ्रेम में सेम होते हैं? ये जो इक्वेशंस है, ये जो लॉज है, ये क्या सारे इनर्शियल फ्रेम्स में सेम रहता है? तो आंसर इज नो। ओके, तो तब ये एक बड़ा कंफ्यूजन हुआ कि जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के ये जो इक्वेशंस है, जो लॉज है, वो क्या गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को ओबे करता है? लेकिन नहीं करता है। तो और एक जो एक्सपेरिमेंटली सी के वैल्यू फाइंड किया गया था 3 × 10⁸ मीटर बाई सेकेंड, ये तो एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया था ना, ये भी क्या गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में डिफरेंट फ्रेम में चेंज होता है? तो नहीं, तो मैक्सवेल ने इसको एक्सपेरिमेंटल फैन किया था। तो ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि जब मैक्सवेल इक्वेशन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को फॉलो नहीं करता है, तो क्या गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन गलत है? और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन गलत है, इसका मतलब ये है कि न्यूटन्स लॉ भी गलत है। ओके, इसका मतलब ये है कि न्यूटन्स लॉ भी गलत है। तो यही कन्फ्यूजन को दूरी करने के लिए उस समय में एक सबसे बड़ा और फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिसको माइकलसन और मोल्ले ने किए थे। तो वो इक्वेशन है माइकलसन मोल्ले एक्सपेरिमेंट। ओके,
माइकलसन एंड मुल्ले एक्सपेरिमेंट। ओके, माइकलसन एंड मुल्ले एक्सपेरिमेंट। तो इसमें अज्यूम किया गया था कि ये जो हमारा अर्थ है वो इथर मीडियम में है, इथर के मीडियम में है। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट का मेन एम था टू मेजर द स्पीड ऑफ अर्थ रिलेटिव टू द दिस इथरल फ्रेम। ओके, जो इथरल फ्रेम में अर्थ है तो उसी में अर्थ का स्पीड मेजर करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट का मेन एम था। ओके, तो मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें एक एब्सोल्यूट मीडियम लिया गया था जिसको कहते हैं इथरल मीडियम। ओके, इथर मीडियम, तो उसमें लाइट का स्पीड है तो उसको सी लेकर 3×10^8 लेकर आर्थ की स्पीड मेजर करने के लिए कोशिश किया गया था। ओके, तो देखते हैं इसका सेटअप कैसा था। तो पहले इसका एम ये था कि टू मेजर द स्पीड ऑफ अर्थ रिलेटिव टू द इथर फ्रेम। ओके, सो इसका सेटअप ऐसे था कि यहाँ एक हाफ सिल्वर मिरर था। ओके, हाफ सिल्वर मिरर, तो लाइट यहाँ से सोर्स से इंसिडेंट किया गया था। ओके, तो ये रिफ्लेक्ट करके लाइट ऐसे आया था और यहाँ एक मिरर फिक्स किया गया था। ओके, तो यहाँ से लाइट ऐसे आया था, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर रिटर्न हुआ था ऐसे, एंड फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पहुँचा था। ओके, तो ये था हमारा एक डिटेक्टर जो कि टेलीस्कोप यहाँ यूज किया गया था टेलीस्कोप। ओके, तो सिमिलरली और एक लाइट का रेस ऐसे आया था और ऐसे यहाँ भी एक दूसरा मिरर फिक्स किया गया था और वहाँ भी लाइट रिफ्लेक्ट होकर एंड फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ये जो डिटेक्टर है उसमें गया था। ओके, तो ये जो डिटेक्टर है उसमें इसका फ्रिंज पैटर्न जो है जो रेस लाइट का फ्रिंज पैटर्न वो देखा गया था। ओके, पहले ये लाइट सोर्स यहाँ से रिटर्न होके यहाँ आया और ये जो टोटल टाइम लिया यहाँ से यहाँ आने के लिए और यहाँ से यहाँ रिफ्लेक्ट होने होकर यहाँ आने के लिए जितना टोटल टाइम लिया उसको मेज़र किया गया। ओके, और वैसे जो लाइट है तो यहाँ से यहाँ आने के लिए जितना टाइम टोटल लिया तो उसको भी मेज़र किया गया। ओके, तो और जो फ्रिंज पैटर्न यहाँ फॉर्म हुआ उसको भी मेज़र किया गया। जो टाइम डिफरेंस जो हुआ उसमें जो फ्रिंज पैटर्न यहाँ टेलीस्कोप में फॉर्म हुआ उसको देखा गया। ओके, तो फिर सेकेंड स्टेप में ये जो टोटल एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ओके, टोटल एक्सपेरिमेंटल सेटअप उसको 90 डिग्री एंगल में रोटेट किया गया। तो ये है हमारा सिल्वर, हाफ सिल्वर मिरर। ओके, ये है हमारा फिक्स्ड मिरर, ये अनदर फिक्स्ड मिरर,
ओके तो हमारा जो फ्रिंज पैटर्न यहाँ पे फॉर्म होता है तो उसको ऑब्जर्व किया गया। तो सिमिलरली ये जो टोटल सेटअप है इसको 90 डिग्री एंगल में रोटेट किया गया और फिर वही फ्रिंज पैटर्न यहाँ ऑब्जर्व किया गया। ओके लेकिन जो फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट हुआ, जो फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट हुआ उसको ये टेलीस्कोप में ऑब्जर्व किया गया। ओके तो इन एवरी टाइम इन एवरी केस एवरी टाइम रोटेट करने के बाद भी जो फ्रिंज पैटर्न यहाँ फॉर्म हुआ वो एग्जैक्ट ही था, मतलब जैसे फ्रिंज पैटर्न पहले से फॉर्म हुआ था वैसे फ्रिंज पैटर्न सारे केस में ही आया, मतलब सेम ही आया सब केस में। ओके तो आज द लाइट्स एट द स्पीड ऑफ लाइट टू टेक वी हैव टेकन हियर इज सेम, सो द भी मतलब द स्पीड जो है आर्क का स्पीड है तो वो जीरो ऑब्जर्व किया गया, मीन्स क्योंकि हम जो लाइट का स्पीड जो है उसको हम सेम लेते हैं तो स्पीड आर्थ की स्पीड जीरो होगा, एवरी टाइम आर्थ की स्पीड जीरो पाया गया। ओके तो ये जो एक्सपेरिमेंट इसलिए किया गया था कि आर्थ की स्पीड कितना है उसको मेजर करने के लिए इथर की जो मीडियम है, लेकिन एवरी टाइम आर्थ की स्पीड जीरो पाया गया। तो दिस इज कॉल्ड द नॉल रिजल्ट ऑफ माइकलसन मोले एक्सपेरिमेंट। तो ऐसे माइकलसन मोले एक्सपेरिमेंट फेल हुआ था क्योंकि इसका जो एम था वो फुलफिल नहीं हुआ था। ओके तो हम कंक्लूजन क्या था, तो इसका कंक्लूजन ये हुआ था कि इट कन्फर्म्स दैट स्पीड ऑफ लाइट इज सेम। ओके स्पीड ऑफ लाइट इज सेम फॉर ऑल फ्रेम्स। ओके तो इससे ये कन्फर्म हो गया कि लाइट का स्पीड जो है वो सारे फ्रेम में सेम है, और जो हम अज्यूम किए थे कि अर्थ के इथर के फ्रेम में है तो वो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट रॉन्ग था, मीन्स अर्थ कोई इथर के फ्रेम में नहीं है। ओके तो ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि अर्थ जो लाइट का स्पीड है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन गैलीलियन ट्रांसफॉर्म इफ वी टेक लाइट इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन तो इसके अनुसार एक स्पीड को एक पार्टिकल के स्पीड को हम जब कोई डिफरेंट फ्रेम में देखते हैं तो वो चेंज होता है ना, लेकिन लाइट के स्पीड कैसे सेम रह सकता है। ओके ये एक बात है, और दूसरा बात ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो फिजिक्स के लॉज होते हैं तो वो तो सेम नहीं रहते हैं जो डिफरेंट फ्रेम में। ओके तो क्या गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन रॉन्ग है, तो यहाँ इसको ये जो माइकलसन मोले एक्सपेरिमेंट हुआ था ये इसके फेलियर के बाद जो आइंस्टाइन आए थे उनके स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ। ओके तो आइंस्टाइन का जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था उसमें दो पोस्टुलेट थे। ओके पोस्टुलेट मतलब इसमें कुछ क्वेश्चन करने का नहीं, मतलब जो है ये है ही ऐसे। ओके तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो इसके दो पोस्टुलेट है, द फर्स्ट पोस्टुलेट इज द लॉज ऑफ नेचर आर सेम फॉर ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर ऑल इनर्शियल
फ्रेम ऑफ रेफरेंस मीन्स जो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी में था वो उनका फर्स्ट पोस्टुलेट हुआ था, फर्स्ट पोस्टुलेट था। मतलब जितना भी लॉज है नेचर के वो सारे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम होता है। तो ये फर्स्ट पोस्टुलेट था। और दूसरा जो सेकेंड पोस्टुलेट था वो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज सेम फॉर ऑल इनर्शियल फ्रेम। जितना भी जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट का जो स्पीड ऑफ लाइट वो सेम है सारे इनर्शियल फ्रेम में। ओके इन वैक्यूम, वैक्यूम में जितना भी इनर्शियल फ्रेम है उसमें लाइट का स्पीड सेम होता है। ओके तो आइंस्टाइन ने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को पूरा रॉन्ग प्रूफ नहीं किया था, मतलब पूरा रॉन्ग भी नहीं बोला था। वो उनके फर्स्ट जो पोस्टुलेट है वो भी न्यूटन्स लॉ के ऊपर ही था। मतलब जो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी था वही उनका फर्स्ट लॉ था। और जो सेकेंड लॉ है वो मैक्सवेल इक्वेशन से ही आया था, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज सेम फॉर ऑल इनर्शियल फ्रेम्स। ओके सो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का कुछ जो ये ड्रॉबैक था उसको फिल करने के लिए आइंस्टाइन ने और एक ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के साथ आए थे, और जो थे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ओके तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।